ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, अभी तक के बेसिक और अभी तक के एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड हमको आता है, और एक टॉपिक और हमने क्या सीखा था कि अगर हमको एक्स की वैल्यूज़ जिनको हम लोग रूट बोलेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं और हमसे पूछा जाएगा कि ये दी हुई एक्स की वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं, चेक करिए। तो कैसे चेक करना है, वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन में, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है यानी LHS और RHS बराबर कर देती है तो उस x की वैल्यू को क्या मान लेंगे, रूट्स, और अगर LHS RHS बराबर नहीं आता तो उसको हम रूट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 टाइप के पैटर्न आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे जिसमें से पहला पैटर्न आपके सामने है। क्वेश्चन है पहला, वेरीफाई वेदर वैल्यूज, अब हमको क्या दिया हुआ है, यानी ये दिख रहा है ना, ये x की 2 वैल्यूज दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि ये दी हुई वैल्यूज दे आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट, ये इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है ये वैल्यूज। इसी तरह से ये वाली वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं। इसी तरह से इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 आपके सामने, बाकी 3 इसके बाद अपन बनाते हैं। आया समझ में? तो तरीका क्या है, अगर ये वैल्यू रूट है तो इस वैल्यू को इक्वेशन में रखने से क्या करेगा, ये सेटिस्फाई कर देगा, ये रूट है तो फिर इसको रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, और नहीं करता तो ये वैल्यू रूट नहीं है, सिर्फ वैल्यू है। समझ आया? तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पुट एक्स इज इक्वल टू 2, पहली वैल्यू पुट करते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ वहाँ आपको 2 रखना है, एक्स का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, एक्स की जगह 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, नियम मालूम है ना। अगर देखिए इसमें बहुत मिस्टेक होता है, बहुत ध्यान से समझना, जिनको थोड़ा बहुत भी लॉजिकल प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझिए। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का नियम होता है ये सब हर बच्चे को आना चाहिए, मालूम है। सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करना, उसके बाद डिवीज़न सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर और लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, ये क्रम है। आया समझ में? तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। तो प्लस यानी एडिशन, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है, एडिशन भी दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला काम मल्टीप्लिकेशन, यानी ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8। उसके बाद क्या करना है, हमको लगता है हम सबसे पहले इसको माइनस कर लें, है ना, इसके साथ बाद में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। सबसे पहला एक्शन कौन सा होगा, एडिशन का होगा, तो जो जो प्लस प्लस वाले हैं ऐड करिए, दिस इज प्लस, कितना हो गया 10। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 6 4 इक्वल टू 0। क्या 4 0 के बराबर होता है, नहीं होता, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हमने क्या रखा था, 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। समझे नहीं समझे, समझ गए। अब हम किसको पुट करेंगे, माइनस 3/2, अगेन पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2, हाँ जी देखिए माइनस 3/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है माइनस का भी स्क्वायर करना है, 3 का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर करना है, हर नंबर का। माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर किए 9 और 2 का स्क्वायर किए 4, समझ में आया, नेगेटिव का पॉजिटिव। जब भी कोई इवन नंबर होता है पावर में, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, आई बात समझ में, कोई भी इवन नंबर अगर है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ये कितना बचा, 9/2 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके बना सकते हैं एक ही स्टेप में, हाँ जी, कितना आएगा, एलसीएम इज 2, दिस इज 9, नीचे 1 है, 1 से 2 को डिवाइड किए 2, हाँ एक्स क्या कहे, अच्छा यहाँ पे
हाँ हमने मिस्टेक कर दिया ना, यहाँ भी एक्स था, दिस इज़ अवर इक्वेशन। हाँ पुट करिए, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, सुधार लेते हैं। चलो तो यहाँ भी क्या रखना है हमको, माइनस थ्री बाई टू, और उसके बाद क्या है माइनस सिक्स। अब ठीक है, चेक करो, ठीक है ना। चलिए एक स्टेप लेते हैं, दिस विल बी नाइन अपॉन फोर, प्लस माइनस माइनस, थ्री बाई टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कैंसिल हो जाएगा टू टाइम, दिस इज़ नाइन बाई टू, थ्री बाई टू, दिस इज सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, टू नाइन माइनस थ्री, और यहाँ वन है, वन से टू को डिवाइड किया, टू टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स, ट्वेल्व। अगले स्टेप में इस टू को उधर मल्टीप्लाई करने भेजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में टू ज़ीरो जा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, दिस विल बी ज़ीरो। यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस हैं, माइनस माइनस साथ में सॉल्व हो जाएंगे, दिस इज नाइन माइनस थ्री और ट्वेल्व कितना हो गया, बारह और तीन पंद्रह, निगेटिव का समझ आ रहा है, और इसमें से नाइन गया माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ये बराबर नहीं होता, इसलिए एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, है ना। तो हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, यही पुट किए थे, दिस इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो दोनों वैल्यूज हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, इसलिए वी डिक्लेयर दिस इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, सेम काम यहाँ पर करना है हमको, सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू माइनस थ्री हमको पुट करना है, तो बारी बारी से पुट करते हैं। सबसे पहला पुट x इज इक्वल टू टू, टू का स्क्वायर फोर माइनस एट प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज प्लस फोर। ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में सॉल्व होगा, तो फोर और फोर, एट का पॉजिटिव ना, दिस इज माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया। तो क्या रखा था जी हमने, x इज इक्वल टू टू इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डिक्लेयर हो गया कि ये क्या होगा, बोलो बोलो, रूट होगा ना, x की वैल्यू टू जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है, रूट है, क्योंकि इसको रखने से ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है, एल एच एस आर एच एस बराबर करता है। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस थ्री, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस थ्री पुट करिए, यहाँ x है तो माइनस थ्री का स्क्वायर x की जगह माइनस थ्री, ये इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस का और थ्री का दोनों का स्क्वायर माना जाएगा, दोनों का स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और थ्री का स्क्वायर नहीं, समझ में आ रहा है, किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर होता है तो निगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में, और अगर किसी भी निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर होता है तो वो आंसर किस में आएगा, ऑड में, माइनस साइन के साथ आएगा, ऐसे ही है ना, एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़ते हो, ठीक। ओके, ये मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस, ये समझ आए प्लस कैसे हो गया, माइनस फोर और माइनस थ्री मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, फोर थ्री जा ट्वेल्व एंड दिस इज़ फोर, ये सभी नंबर पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है जीरो तो आएंगे नहीं, कोई कटना है नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा x की वैल्यू, कितना हो गया, 12 और 4 16 और 9 25, बट दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, समझ रहे हो ना, स्टेटमेंट लिखते बन जाएगा, therefore x इज इक्वल टू माइनस थ्री इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस लेते हैं अपन, नोट करिए जब तक इसको, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, सेम काम करना है, ये वैल्यूज दी हुई हैं x की और इसमें रख करके हमको चेक करना है कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, सेटिस्फाई करेंगे तो वी विल डिक्लेयर दिस वैल्यूज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस थ्री इसमें पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू माइनस थ्री,
तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम माइनस थ्री को पुट करेंगे। हाँ जी, माइनस और थ्री दोनों का पावर टू है, इवन नंबर, तो दोनों को स्क्वायर करना है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, नाइन, माइनस का प्लस और थ्री का नाइन। ठीक है, दिस इज माइनस माइनस प्लस, सिक्स थ्री जा 18। ठीक है, ये भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, सिक्स नाइन जा, पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना जी। तो सिक्स नाइन जा कितना होता है, कितना, 54। दिस इज प्लस 18 माइनस 12 इक्वल टू जीरो। आप प्लस प्लस साथ में सॉल्व होगा, बाद में माइनस होगा, माइनस वाला एक्शन सबसे लास्ट में, है ना, समझ रहे हो, नियम क्लियर है बोर्ड मास का कि नहीं है। सब्ट्रैक्शन का एक्शन सबसे लास्ट में होगा, तो पहले हम प्राथमिकता मल्टीप्लिकेशन को देंगे, फिर एडिशन को देंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को देंगे। एडिशन से जो रिजल्ट बनेगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन। ठीक, जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7। तो वैसे ही दिख रहा है, ये बड़ा नंबर छोटा नंबर जीरो कभी आना नहीं है। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6 इक्वल टू 0, बट 60 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। Therefore, x इज इक्वल टू क्या रखे थे, माइनस 3 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज डिक्लेरेशन। ठीक, अब हमको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 4, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 पुट करिए जहाँ जहाँ x है, 4 का स्क्वायर, सिक्स मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24। ये दोनों निगेटिव है, साथ में सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों माइनस माइनस में है, साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 और 3 9। ठीक है, करेक्ट है, माइनस 24 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस साथ में सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, हम काम कौन सा कर रहे हैं, एडिशन, इसलिए पहले प्राथमिकता किसको देंगे, एडिशन को। तो ये माइनस साइन देख के आप ये नहीं बोलेंगे कि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्शन को देखना है ना, साइन को नहीं देखना। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो हम एडिशन करें और एडिशन को प्राथमिकता देना हमको। अगर आपको लगे हम इन दोनों को पहले क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, तो देखिए ये किस में है, प्लस में, ये किस में है, माइनस में, प्लस माइनस, तो यहाँ हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है एडिशन करने का, तो पहले एडिशन को प्रेफरेंस देंगे कि सब्ट्रैक्शन को, इसीलिए पहले ये सॉल्व होगा, आया समझ, इसको उतार लेंगे एज इट इज। माइनस माइनस प्लस जोड़ दीजिए, 2 4 और 2 6 और 2 और 1 3, हो गया एडिशन इसका। अब देखिए प्लस में माइनस में सब्ट्रैक्शन, ये समझ रहे हो ना, ये बीच बीच के स्टेप बहुत काम आते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं आता, इसलिए मैं आपको बीच में बता रहा हूँ रुक के, ठीक है, कि हम कब इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहले किसको सॉल्व करना है तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखोगे, और अगर समझ नहीं आता, छोटी सी छोटी चीज़ भी नहीं समझ आता, तो आप तुरंत पूछिए, मेरी ड्यूटी में आपको बताऊंगा, समझ रहे हो, नहीं समझे, आपको शर्म नहीं करना कि हमको ये प्लस माइनस नहीं आता, बेझिझक पूछिए मुझसे, ठीक है, लेकिन पूछना जी, यस सर बस नहीं। हाँ जी, घटा दो प्लस माइनस, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, हाँ तो ये भी बराबर नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 is not root of given quadratic equation, हो गया। हाँ, next question है हमारा, question number 4, इसमें भी हमको यही करना है, ये हमारा equation है और दो values हमको दी हुई है, इनको check करना है कि ये root है या नहीं है, put करना शुरू करिए। हाँ जी, देखिए हमने x की value 0 put की इसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, 0 का स्क्वायर यहाँ 0, समझ आया, 9 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 0, 0 माइनस 0 0 इक्वल टू 0, LHS RHS बराबर। तो x इक्वल टू 0 ने इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया, इसलिए x इक्वल टू 0 क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने 9 बाई 4 को रख के चेक किया, पुट करिए, ये समझ आ रहा है, 9 बाई 4 का स्क्वायर और यहाँ x की जगह 9 बाई 4, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ओह आई एम सॉरी, दिस इज 9 का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर, 9 9 जा 81, दिस इज अगेन 81 बाई 4, 81 बाई 4, सो आई शुड राइट 81 बाई 4, 81 बाई 4,
ओके करेक्ट करिएगा, 81 बाई 4 प्लस में, 81 बाई 4 माइनस में, प्लस माइनस सेम सेम नंबर कैंसिल, दिस इज 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS, तो इसने सेटिस्फाई किया, दैट्स वाई 9 बाई 4 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, पांचवा क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये रूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू हमको रखनी है रूट थ्री और दूसरी जगह माइनस टू रूट थ्री, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, इधर का ये मिटा दूँ ना सॉल्यूशन ये वाला, ठीक। देखिए रूट वाले क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे, तो मुझे नहीं लगता रूट में आपको प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि रूट का फंडामेंटल यही है, रूट रूट से मल्टीप्लाई होता है, नंबर से नहीं होता है ना। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू रूट थ्री पुट करिए, x की जगह रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री रूट थ्री, फिर से x की जगह रूट थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, समझ आ रहा है कहाँ कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ रूट थ्री रख रहे हैं हम, डाउट कोई, समझ रहे हो, आ रहा है, हाँ बोलिए, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, यानी रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री, सेम सेम रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो बिना रूट का हो जाता है, दिस इज थ्री, यहाँ देखिए क्या थ्री इस रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, हाँ नहीं होगा, नंबर रूट से मल्टीप्लाई नहीं होता, नहीं तो इसको ऐसे काहे लिखा होता थ्री रूट थ्री, नहीं समझे, ये नंबर है, ये रूट वाला नंबर है, समझ आया, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं, और इन दोनों के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं होता तो कौन सा साइन मानते हैं हम, मल्टीप्लाई, तो थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो जाते, एक नंबर क्यों नहीं बन जाते मल्टीप्लाई होके, ये दो दो नंबर क्यों लिखे हैं, कहीं पर आपको ऐसा सिक्स लिखा होता है या इसकी जगह पर ये लिखा हुआ देता है, ऐसा सिक्स को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, टू इंटू थ्री, तो अगर मुझे आपको बुक में या कॉपी में सिक्स लिख के दिखाना है तो मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा कि ऐसे लिख के दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे कि ऐसे, सिक्स लिख के दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और होके सिक्स बन जाते हैं, इसलिए ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखूंगा सिक्स को मैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, काहे को हो जाते हैं, क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है, कोई रूट वाला नहीं है, लेकिन ये नंबर है ये रूट वाला नंबर है, ये रेशनल ये इरेशनल, रेशनल और इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, और जब मल्टीप्लाई नहीं होते तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर नहीं लिख सकता, तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, आया समझ में कि नहीं आया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन ये रूट का नंबर है ये रूट का नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री रेशनल बन गए, रूट थ्री मल्टीप्लाई क्या हो गए, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं इसलिए इनको ऐसा लिख लिया जाएगा, ये नहीं हो सकते इसलिए ऐसे ही लिखे रहेंगे, इसीलिए क्वेश्चन इसको ऐसे ही लिखा है थ्री रूट थ्री, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होते, लेकिन ये रूट थ्री होंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, थ्री, अब वो थ्री रूट वाला नंबर है कि बिना रूट वाला नंबर, बिना रूट वाला, और वो बिना रूट वाला इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हम अभी इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, ये दोनों रूट वाले नंबर दिख रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, थ्री, अब थ्री नंबर है और ये थ्री नंबर है, तो ये थ्री बनने के बाद क्या इस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा, तो कितना हो गया, नाइन, तो इसका आंसर कितना आया, नाइन। अब देखो ये थ्री प्लस में, सिक्स प्लस में, प्लस प्लस साथ में सॉल्व होगा, क्योंकि पहले प्लस का एक्शन करना है एडिशन का, तो सिक्स और थ्री नाइन पॉजिटिव, और ये वाला नाइन निगेटिव इक्वल टू जीरो, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, जीरो इक्वल टू जीरो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हो गया सेटिस्फाई, किसने सेटिस्फाई किया, एक्स की किस वैल्यू ने, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, तो ये क्या बन गया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे आप, बोलो ना,
अब आप पुट करिए x इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बताइए। सबका स्क्वायर करना है, इसका भी माइनस का भी, माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर अभी आपको दिमाग में करना, मैं लिखूंगा नहीं, टू का स्क्वायर फोर नंबर है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री नंबर बन गया, फोर नंबर है, थ्री नंबर है, मल्टीप्लाई कितना हो गया ट्वेल्व, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई ट्वेल्व, पूरे का स्क्वायर ट्वेल्व। आया समझ, आ रहा है नहीं आ रहा, श्योर? फिर माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस प्लस, नंबर नंबर के साथ, रूट रूट के साथ, देखिए थ्री नंबर है, टू नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई होगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स नंबर है, दिमाग में रखिए, रूट थ्री आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या मैं रूट थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं होता, एक रेशनल एक इरेशनल, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ कितना बना, थ्री नंबर बन गया, और थ्री टू से मल्टीप्लाई हुआ कितना बना, सिक्स नंबर, नंबर कितना हुआ, सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री एटीन, दिस इज प्लस एटीन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। क्लियर है नहीं है? लिखना है कि स्टेप और चलेगा, चलेगा हाँ, प्लस सिक्स, सभी प्लस में है तो जाहिर सी बात है जीरो तो आएंगे नहीं, अगर कहीं मिस्टेक नहीं किए हैं तो, साइन वाइन देख लो सब जगह, ठीक है करेक्ट है, सबको जोड़ दो, बारह छः अठारह, अठारह अठारह छत्तीस, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर वन के पांचों क्वेश्चन हमने बना लिए, नोट करिए क्वेश्चन नंबर टू में आएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इसमें छह क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तीन क्वेश्चन हमारे सामने, तीन इसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या निकालना है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। अब ध्यान से देखिए, ये काम हम एक बार एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ट्राई दिस में शॉर्टकट के लिए। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है, कितने टर्म होते हैं इसमें, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीन टर्म, तीनों टर्म अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिंदा हैं तो आपको बीच वाले टर्म को मिडिल टर्म मानना पड़ता है, इसको आप स्प्लिट करते हो तो ये दो टर्म में टूटता है, टूटता है, फिर आप क्या करते हो, इसमें कॉमन देखते हो, इसमें कॉमन देखते हो, फिर कुछ कॉमन लेते लेते एक दो स्टेप के बाद आपको दो ठो डब्बे ऐसे मिलते हैं, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इन डब्बों को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर। अब दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होता है, या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो, या दोनों जीरो हो, तो हम दोनों डब्बों को बारी बारी से क्या करते हैं, हाँ, तो सपोज दिस इज एक्स माइनस अल्फ़ा, दिस इज एक्स माइनस बीटा, एक बार आप इस डब्बे को इक्वल टू ज़ीरो करोगे और एक बार इस डब्बे को इक्वल टू ज़ीरो करोगे, यहाँ से आपको एक रूट मिलता है और यहाँ से आपको दूसरा रूट मिलता है, इस तरह से दो रूट निकाले जाते हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस भाषा में दी हुई है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना पड़ेगा, यहाँ पहुँचना पड़ेगा फैक्टर वाली लाइन में, और फैक्टर वाली लाइन को इक्वल टू ज़ीरो करने से आपको रूट मिलते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ने इन तीनों टर्म में से कोई एक टर्म गायब कर दिया, जाहिर सी बात है इसको तो गायब नहीं करेगा, क्योंकि ये गायब हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा, एक्स का पावर वन बचेगा खाली, समझ रहे हो, तो ये गायब नहीं होगा, या तो ये गायब होगा या ये गायब होगा, तो या तो कोई एक टर्म गायब कर देगा या डायरेक्ट वो आपको कौन सी लैंग्वेज देगा, फैक्टर वाली, और आपसे रूट पूछेगा। तो क्या करना है, यहाँ से रूट तक आना ज़्यादा आसान है कि यहाँ से रूट तक आना ज़्यादा आसान है, यहाँ से, क्योंकि हमको पता है रूट मिलता है कहाँ से, फैक्टर से, फैक्टर को इक्वल टू जीरो करो रूट मिल जाएगा, तो आपको फैक्टर पहचानना है, ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। हमसे पूछा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहचानिए ये दो डब्बे मल्टीप्लाई में इक्वल टू जीरो, यही है कि नहीं, और यहाँ से हमको रूट निकालना है, तो क्या करना है, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होता है, जब या तो ये जीरो या ये जीरो, तो दोनों को बारी बारी जीरो रख लीजिए, समझ रहे हो, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो और एक बार इसको इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल टू फोर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू टू, दीज आर द रूट्स, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है, हाँ। अब इसमें एक गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, देखिए कौन सी गलती, ये हमारा आंसर हो गया ना, ये हमको फैक्टर दिया है, और हम लोग होशियारी में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स, ये
4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8। अगले स्टेप में ये दोनों साथ में सॉल्व होंगे क्योंकि x के पावर 1 वाले हैं, कितना हो जाएगा ये क्या बन गया, ये चीज बन गया। अगर ये चीज बन गया तो फिर इसको स्प्लिट करके आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो लंबा चौड़ा प्रक्रिया हो जाएगा, समझ आया। तो अगर रूट पूछा है और इस तरह फैक्टर दिया हुआ है तो कभी मल्टीप्लाई करके ये बनाने की कोशिश नहीं करिए, नहीं तो फिर आपको स्प्लिट करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अल्टीमेटली आओगे यहीं तक, आंसर यही आएगा। आप यहाँ से 2-3 स्टेप बाद जाओगे तो यही लाइन मिलेगी दोबारा, फिर से फैक्टर वाली लाइन यहाँ, फिर उसको आप इक्वल टू जीरो करके रूट्स निकालेंगे। तो ऑलरेडी जब आपको फैक्टर दिया है तो उसी को इक्वल टू जीरो करके रूट निकाल लो, काहे के लिए इसको बनाओगे। आ रहा है समझ में ना, ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से वही चीज़ है, दो फैक्टर मल्टीप्लाई में इक्वल टू जीरो, दोनों फैक्टर को बारी बारी इक्वल टू जीरो करिए। ये तो समझ आता है ना आपको कैसे कैसे हो रहा है, आता है हाँ। यहाँ से चेक कर लो इसको कैसे करेंगे, x माइनस सेवन का पावर 2 मतलब x माइनस सेवन कितनी बार है, दो बार, दो फैक्टर, ये उसी लैंग्वेज में आ जाएगा, ऐसा लिख लीजिए ये दोनों फैक्टर इक्वल टू जीरो, मतलब एक बार ये फैक्टर इक्वल टू जीरो, एक बार ये फैक्टर, यहाँ से भी x इज इक्वल टू 7, यहाँ से भी x इज इक्वल टू 7, हो गया, हो गया ना हाँ। ये हमारे तीन क्वेश्चन बन गया, तीन क्वेश्चन और देखिए जल्दी से, इसी के साथ लेते हैं बाकी के तीन क्वेश्चन देखो, इसको देखो क्या समझ में आ रहा है, एक टर्म गायब है, कौन सा टर्म, अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है तो मुझे वो बताओ उसको देख करके कौन सा टर्म गायब है, सी गायब है, और सी गायब है तो फिर इसके रूट कैसे निकलेंगे, कॉमन लेके, एक्स को कॉमन ले लेंगे हम, सही समझे, कॉन्स्टेंट टर्म होता तब मिडिल टर्म बनता, तीन टर्म होते फिर आप स्प्लिट करके बनाते, दो टर्म है तो इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, तो एक्स क्या करोगे, कॉमन, नहीं समझे। ये अपन कहाँ पहुँच गए, ये फैक्टर वाली लाइन है, आ रहा है समझ, जरूरी नहीं है फैक्टर डब्बे में ही दिखेगा, दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए बस, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई में, एक चीज़ है एक्स, दूसरी चीज़ है एक्स माइनस 11 है मल्टीप्लाई में, दिस इज फैक्टर। तो एक बार आप क्या करोगे, इस एक्स को इक्वल टू जीरो रखोगे और एक बार x माइनस 11 को जीरो रखोगे, आ रहा है समझ में, डाउट है, क्लियर है हाँ। तो एक तो आपका रूट क्या हो गया, x इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11, दिस इज आंसर। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार, इसको एक बार इक्वल टू जीरो किए, इसको जीरो किए, यहां से माइनस 12 मिलेगा, यहां से भी माइनस 12 मिलेगा, दिस इज द रूट्स। यहां पे पहचानो ये कैसे करोगे, ये बिल्कुल इसी की तरह है कि नहीं है फैक्टर, तो एक बार x को इक्वल टू जीरो और एक बार x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो ये x इक्वल टू जीरो इज वन रूट एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 इज अनदर रूट, हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 6 के 6 क्वेश्चंस बना लिए, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इज रूट 2 अ रूट ऑफ इक्वेशन और नॉट, इज रूट 2 ए रूट ऑफ इक्वेशन और नॉट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे पूछा जा रहा है क्या रूट 2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, रूट 2 इसका नाम है भाई ना, और हम क्या बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन का ये रूट है कि नहीं, रूट मतलब इसको जब उसमें रखेंगे एक्स की जगह तो ये उसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा या एल एच एस आर एच एस बराबर कर देगा, ये मतलब है ना। तो हमको चेक करना है क्या स्क्वायर रूट 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है, तो रूट अपन कैसे चेक करते हैं, एक्स की जगह रख के, समझ आया। तो अपन क्या करते हैं देखिए, मैं इसको मान लेता हूँ लेट रूट 2 बी ए रूट है ना, या डायरेक्ट हम पुट करते हैं चेक करने के लिए, पुट सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हमको रूट टू को चेक करना है, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, रूट टू। जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ रूट टू पुट कर लीजिए। अगर इसने इक्वेशन को बैलेंस किया तो ये रूट माना जाएगा। हाँ जी, रूट टू का स्क्वायर टू, ठीक है, दिस इज टू रूट टू। मल्टीप्लाई कर दें क्या, टू टू जब फोर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर है और एक रूट है। दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों तो साथ में सॉल्व हो जाएंगे, नंबर नंबर, तो प्लस माइनस माइनस, तो फोर में टू गया टू, साइन किसका, बड़े वाले का माइनस, और ये रह गया पॉजिटिव, ऐसा इक्वल टू ज़ीरो। और कुछ किया जा सकता है क्या, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों में से टू कॉमन निकाल सकते हो, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, टू अगर आपने कॉमन निकाला तो इट विल बी रूट टू माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ये चीज़ ज़ीरो नहीं है, नहीं समझे, तो ये बैलेंस कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा। एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, आया समझ में, कैसे नहीं आया, गड़बड़ हो गया कहीं, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ठीक है, ठीक। देयरफोर एक्स इज इक्वल टू रूट टू इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में, जिसमें हमको इक्वेशंस दिए हैं उनको सॉल्व करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा उसका रूट निकालिए, और किस मेथड का यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको फैक्टर बनाना है, फैक्टर बनाना है चाहे जैसे बनाओ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, क्लियर है। पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तीनों टर्म है तो कैसे बनेगा, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनेगा, तीनों टर्म है तो। सेकंड क्वेश्चन में कितने टर्म है, दो, तो कौन सा मिडिल टर्म है, कोई नहीं, तीन टर्म होंगे तब ना मिडिल रहेगा, कॉमन लेके एक्स बना लोगे आप यहाँ पे। इसमें कितने टर्म है थर्ड क्वेश्चन में, तीन, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना पड़ेगा। फंडा समझ में आया, दो टर्म है तो डायरेक्ट बन जाएगा बिना मिडिल टर्म स्प्लिट के, क्योंकि मिडिल टर्म है ये नहीं है तो काहे को स्प्लिट करोगे, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन सैंपल है, इस तरह के 10 क्वेश्चन हमको बनाने हैं क्वेश्चन फोर के अंदर। शुरू करें, सबसे पहला काम क्या होता है, टारगेट सेट करना, 9 × 2, आया समझ में तरीका, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके टारगेट सेट करिए, 9 × 2 = 18 हमारा टारगेट है। दो नंबर हमको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 18 आए और प्लस या माइनस करने में 3 आए, 6 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं 18 आता है 18, और 6 और 3 को प्लस या माइनस करने से 3 आता है कि नहीं, क्या करने से, माइनस, तो दो नंबर हमने क्या सोच लिए, 6 और 3, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं, इस साइन तक एज इट इज़ लिख लेना है आपको, पहला टर्म और ये साइन एज इट इज़। अब पहला नंबर क्या सोचा हमने, 6, दूसरा नंबर 3, अब 6 में 3 को घटाना है 3 लाने के लिए कि जोड़ना है, घटाना है, तो घटाने के लिए मैं यहाँ कौन सा साइन यूज़ करूँ, माइनस नहीं करना क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो मुझे कौन सा साइन रखना चाहिए जो इस साइन के साथ मिलके सब्ट्रैक्शन का एक्शन करा दे, प्लस, समझ आ रहा है ना, ये इस साइन को देख के ये साइन डिसाइड होगा, प्लस माइनस माइनस, तो अब 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, उसके बाद ये साइन ये नंबर एज इट इज़, क्लियर है। अब आप इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, देखिए दोनों में एक्स है ना, इसमें भी इसमें भी, इसमें 2x है इसमें 1x है, और क्या चीज़ कॉमन दिख रही है दोनों टर्म में, 3, ये है 3 × 3, 9 को 3 × 3 लिखेंगे और 6 को 3 × 2, तो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 भी कॉमन आ गया। अब बताइए यहाँ क्या बचा, एक 3 बचा ना, ये 3 × 3 था, एक 3 निकला तो एक 3 बचा, और 2x थे, एक x निकला तो एक x बचा, समझ आ रहा है। इसमें क्या बचा, ये 3 × 2 था, 3 निकल गया, क्या बचा, 2, x भी निकल गया, खत्म, आया समझ। यहाँ से देखिए प्लस माइनस, प्लस ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ चीज़ क्या कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, 3x में और 2 में,
क्या दोनों जगह x है? दोनों जगह नहीं है, x कॉमन नहीं है. क्या दोनों जगह 3 है? नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं. क्या दोनों जगह 2 है? नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं. तो फिर क्या कॉमन? 1. दोनों जगह 1 है. यस, 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 है कि नहीं है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 है कि नहीं है? 1 लिखते नहीं है लेकिन होता तो हर जगह है, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ क्या बचा? 3x. यहाँ क्या बचा? -2 = 0. दोनों डब्बा देखेंगे सेम सेम बनेगा. बन गया. अब ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये एक टर्म माना जाएगा, दूसरा टर्म माना जाएगा. दोनों टर्म में क्या चीज़ सेम है? ये डब्बा 3x - 2 है. तो अगर मैं दोनों में से 3x - 2 वाला डब्बा बाहर ले लेता हूँ, तो इस टर्म में क्या बचा? खाली 3x और यहाँ 1 हो गया. अभी हम पहुँच गए फैक्टर वाली लाइन में. दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी दोनों फैक्टर बराबर बराबर 0, अलग अलग. आंसर चेक करते चलना ना, जैसे ही हम आंसर लिखते हैं बुक से तुरंत मैच किया करो, मैच हो रहा है या नहीं. ठीक है, ठीक है. पहला क्वेश्चन हो गया, लिख लिए. दूसरे पे आते हैं. इसमें कोई तीसरा टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट बनेगा. x कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ क्या बचा? 4x और यहाँ क्या बचा? 5. ये डायरेक्ट अपन कहाँ पहुँच गए? फैक्टर वाली लाइन में. अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है? जब या तो x 0 होगा या ये 0 होगा. समझ रहे हो ना? तो x 0 तो हमको यही देगा, x इक्वल टू 0, और यहाँ से 5 उधर जाके निगेटिव, 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में. दिस इज द रूट -5/4. ठीक है, अगले में आते हैं. इसमें तीनों टर्म है, तो हम पहले टारगेट सेट करेंगे. व्हाट इज 3 × 10? 3 × 10 30. टारगेट इज 30. दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 30 आए और प्लस माइनस करने में 11 आए. बहुत सिंपल है, तुरंत बताना चाहिए. दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में 30 आए, 6 और 5, और प्लस या माइनस करने में 11 आता है. 6 और 5 ऐड करके देखिए 11 आता है कि नहीं. तो दो नंबर कौन से हो गए? 6 और 5. वेरी गुड. 3x² इस माइनस साइन तक एज इट इज लिखेंगे. पहला नंबर क्या सोचा था? 6x. दूसरा नंबर 5x. अब मुझे ये बताइए, 6 में 5 जोड़ना है कि घटाना है? 11 लाने के लिए जोड़ना है. यहाँ एक माइनस साइन यूज़ हो चुका है, यहाँ क्या यूज़ करना चाहिए? माइनस. तब ना माइनस माइनस प्लस. आया समझ? क्या लिखूँ? प्लस लिख दूँ? प्लस लिखोगी तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस. तो फिर 6x में 5x घटाना पड़ेगा, तो 1x होगा और ये 11x है. तो हमको इसमें जोड़ना है, एक माइनस यूज़ हो चुका है, तो हमको कौन सा साइन यहाँ रखना चाहिए? माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस वाला एक्शन. ठीक है, अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे. दोनों में कॉमन 3 होगा, x होगा. चेक करिए 3, और इसको भी लिखना है 3 × 2. यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है ना. यहाँ भी x, यहाँ भी x. इसमें एक x बचा और इसमें 2 बचा, क्योंकि 3 और x बाहर निकल चुके हैं. ठीक है, आ रहा है? पूछा करो अगर नहीं आता तो. कैसे हो रहा है? आया जी बिटिया समझ में? तो कहीं नहीं पूछती हो, हम आपके पास आएंगे ये पूछने के लिए कि पूछो. देखो ये 3 है, ये x है, x का पावर 2. कितने x हैं इसमें? x का पावर 2 मतलब x × x, 2x. ये 6 है, ये x है, एक x है, एक x यहाँ है. इसमें 2x है, मतलब एक एक x तो है ना दोनों जगह, तो एक एक x कॉमन आ गया. अब इसमें 2 × 2x थे, तो एक x बचा. ठीक है, अब ये 6 है, क्या मैं 6 को 3 × 2 लिख सकता हूँ? 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं ना, 3 × 2 जा लिख सकते हैं, 3 × 2. तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों जगह 3 है, तो 3 कॉमन आएगा. अब अगर इस 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा? इसको क्या लिख रहे थे? 3 × 2. तो 3 चला गया तो क्या बचा है? ये 2 बचा है, x तो पहले ही निकल गया था. ठीक है, आया? ठीक. माइनस प्लस, माइनस कॉमन ले लें. माइनस देखो यहाँ 5 है, क्या इसमें 5 है? 10 को क्या 5 × 2 नहीं लिख सकते? तो 5 है इसमें, दोनों जगह 5 है, 5 कॉमन आ गया. बस x तो नहीं है दोनों जगह. ठीक, यहाँ क्या बचेगा? 1x. माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे. और इसमें क्या बचा? 2, क्योंकि 5 × 2 था, 5 हम कॉमन ले चुके, तो 2 बस बचा. ठीक है, ठीक है. अब इसमें और इसमें कॉमन देखिए,
x माइनस टू का डब्बा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 3x और इसमें 5। ये आया समझ में लाइन कि नहीं आई? आ रहा है? ये पूरा एक टर्म, ये पूरा दूसरा टर्म, इस टर्म में भी x माइनस टू का डब्बा, इस टर्म में भी x माइनस टू का डब्बा कॉमन है, सेम है, तो ये हमने ऐसे कॉमन निकाल लिया। तो इस टर्म में से अगर ये डब्बा चला गया तो यही बस बचा, ये आ गया। इस टर्म में से डब्बा चला गया तो यही बस बचा, ये आ गया। ठीक, अब ये फैक्टर तक पहुंच गए हम, दो फैक्टर इक्वल टू जीरो, मतलब ये फैक्टर जीरो, ये फैक्टर जीरो। यहां से हमको x इज इक्वल टू टू मिलेगा और यहां से 5/3 मिलेगा। आंसर मैच करिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। x इक्वल टू जीरो नहीं आएगा बेटिया, अगर x इक्वल टू जीरो होगा, देखिए देखिए ध्यान से सुनिए, x इक्वल टू जीरो होगा रूट, तो यहाँ रखने से उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ इक्वेशन का रूट है तो रूट को इक्वेशन में रखने से उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं? तभी तो उसको रूट बोलते हैं। अब अगर आपके आंसर में पीछे दिया है x इक्वल टू जीरो, इसका रूट है, तो जीरो रखिए यहाँ, जीरो मल्टीप्लाइड बाई थ्री जीरो खत्म, जीरो मल्टीप्लाइड बाई इलेवन जीरो खत्म, लेकिन ये बच जाएगा, टेन इज इक्वल टू जीरो, क्या ये बैलेंस हुआ? नहीं हुआ, इसलिए जीरो इसका रूट नहीं हो सकता। इनको रख के चेक कर लो आप, देखो मैं चेक कराता हूँ। देखो यहाँ टू रखिए एक्स की जगह, टू का पावर टू, फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री कितना हुआ 12, ठीक है। टू रखिए एक्स की जगह, टू मल्टीप्लाइड बाई इलेवन माइनस 22 प्लस 10 इक्वल टू जीरो, ये प्लस प्लस साथ में सॉल्व होगा, प्लस 22 माइनस 22 इक्वल टू जीरो, कैंसिल, जीरो इक्वल टू जीरो, बैलेंस। तो रखने से जीरो बनाता है ये, इसलिए ये रूट है। इसको भी रख के चेक कर लो, करना है चेक, देखिए 5/3 एक्स की जगह रखोगे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल होके कितना हो गया 25/3, ये वाला स्टेप आया समझ, माइनस यहाँ रखिए 5/3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 55/3, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू जीरो। देखिए इसके नीचे 3, इसके नीचे 3, एलसीएम कितना आ गया 3, दिस इज 25, 55, 30, 1/3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 30 इक्वल टू जीरो, ये 3 उधर जाकर के जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो ओरल देखो, 25 प्लस में 30 प्लस में, प्लस प्लस, तो 25 और 30 55 प्लस में, 55 माइनस में जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, नहीं समझे है? जीरो नहीं, क्या क्या अच्छे से बोलो, यही आंसर दिया है तो जीरो कौन बोल रहा है फिर? अरे क्वेश्चन नंबर मिलाई हो, थर्ड का देखना है, ठीक है, दिस आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करिए इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 4, 5, 6, चौथा क्वेश्चन देखिए, 5x² + 3x - 2 = 0, तीनों टर्म है, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, 5 × 2, टारगेट कितना है 10, दो नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने में 10 आए और प्लस माइनस करने में 3 आए, 5 और 2, 5 × 2 = 10 और 5 में से 2 गया 3 आता है, ठीक। तो पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 2, x लगा लेंगे साथ में, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, साइन कौन सा यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं, घटाना है मुझे, एक प्लस यूज़ हो चुका है तो माइनस, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन देखिए, 5x कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ 1, समझ में आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिए, 2 कॉमन आ गया, दिस इज अगेन x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, चेक करो, समझ में आता है नहीं आता? सही में 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ से 2 निकल गया तो 2 × 1 बचेगा, और माइनस भी हमने कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस बचेगा, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, ठीक। इन दोनों में देखो x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 5x और यहाँ 2, ठीक है, ये फैक्टर पे पहुँच गए, आगे की कहानी आप जानते हो।
ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें भी तीनों टर्म है। व्हाट इज द टारगेट? 6 × 2 = 12। तो मल्टीप्लाई करने में 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने में 7 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए? 4 और 3, 4 × 3 = 12, 4 और 3 जोड़ने से 7। सेटिस्फाई? ठीक, पहला नंबर है 4। 4 लिख लें पहले, 3 लिख लें। 3 इसके साथ कॉमन दे देगा, कोई बात नहीं, दे देगा 2 भी कॉमन, 4 ही लिख लेते हैं। और दूसरा नंबर क्या है? 4 और 3। ओके, तो 3 हमको देखो कैसे लिखना है ना, ध्यान से देखिए, देखिए 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 देखिए, 4 और 3 दो नंबर है ना। 3 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो बाद में 2 लिखना है, तो 3 और 2 में फिर कुछ कॉमन मुझे नहीं दिखेगा, तो मैं 3 यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं 3 यहाँ लिखूँगा, क्योंकि 3 और 6 में 3 कॉमन हो जाएगा और 4 और 2 में 2 कॉमन हो जाएगा। तो पहले किसको लिखना चाहिए हमको? 3 को और फिर 4 को, समझ रहे हो? अब आप इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन देखिए, दोनों में 3 कॉमन है, है 3। मैं 6 को लिखोगे आप 3 × 2, तो 3 है इसमें और ये 3 है, तो दोनों जगह से 3 निकल गया, दोनों जगह x है, x निकल गया। बताइए यहाँ क्या बचा? अगर 3 निकला है तो 6 में से 3 निकाल लिया हमने, तो कितना रह गया? 3 × 2। हमेशा फैक्टराइज करिए, मल्टीप्लाई। 6 को क्या लिखना है? आप 3 + 3 नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई में चीज़ों को रखना है वहाँ पे। 3 × 2, तो 3 चला गया तो कौन बचा? 2 बचा, दिस इज 2। और 2x थे, 1x निकल गया तो 1x बचा। ठीक है, आ रहा समझ? यहाँ से 3x पूरे ही निकल गया तो 1 बचेगा। हाँ, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? दोनों जगह 2 चलेगा। 4 को क्या लिखना है? 2 × 2। ठीक है, ओके, यहाँ पे x + 1 = 0। 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 1 2 और होगा, ये दोनों डब्बे सेम सेम बनेंगे। ठीक है ना, 4 है तो 4 को 2 × 2 लिखे, 2 कॉमन चले गया तो 2 बचा। अब 2x + 1 = 3x + 2 = 0, ये लाइन समझ आई? 2x + 1 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा? 3x, यहाँ क्या बचा? 2, फैक्टर वाली लाइन, this = 0 and this = 0, this gives x = −0.5 and this give x = −2/3, करेक्ट है? अब यहाँ पे आइए, ये तो बहुत कठिन लगता होगा, कैसे रूट वाला है ना, कठिन लगता है ना, नहीं है कठिन, बहुत कठिन लगता होगा। देखो देखो, एक एक क्वेश्चन आपने एग्जांपल में बनाया है, यहाँ मिडिल टर्म में रूट था, √2 √2 हम बना रहे थे ना, 6 लाना था, याद आया? भूल गए? हाँ, पढ़ना भी है उसको, एक बार बना के बंद नहीं कर देना है। हाँ जी, देखिए टारगेट सेट करिए, कैसे बनाएंगे टारगेट? ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर, तो नंबर नंबर से और रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले √3 × √3, ये 3 नंबर बन गया, अब ये नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 बना, 4 × 2 = 8, ये नंबर है 8 और √3 √3 = 3, 8 × 3 मल्टीप्लाई 24, व्हाट इज अवर टारगेट? 24, तो इसमें हमारा टारगेट है 24। अब दो नंबर आपने सोचना है जिसको प्लस माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने में 24 आए, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 24 आता है और प्लस या माइनस करने में 5 आता है? नाइन 3 = 27 होता है, 24 नहीं होता। 4 और 6, 6 × 4 = 24, लेकिन 6 में 4 जोड़ने और घटाने से 5 नहीं आता, 6 में 4 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 1 आ जाएगा जी। अच्छा, और कोई सोचो, 8 और 3, वेरी गुड, 8 × 3 = और 8 में 3 गया 5, सेटिस्फाई हो रहा है? ठीक, तो दो नंबर कौन से हो गए? 8 और 3। तो यहाँ तक एज इट इज लिखना है,
अब हमको पहला नंबर लिखना है, 8 और 3, है ना। तो हम पहले किसको लिखें, ये ठीक है, चलिए रूट 3 ही है ना। चलिए तो पहले किसको लिखा जाए, 8 को, ठीक है 8 ही लिख लो, 8x। और दूसरा क्या है, 3x। अब इसको जोड़ना था कि घटाना था, 8 में 3 को घटाना था, एक प्लस यूज़ हो चुका, तो क्या यूज़ करना है, माइनस, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, देखो कॉमन, दिस इज़ 4, दिस इज़ 4 इंटू 2, लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 कॉमन निकलेगा। एक्स दो ठो है, एक्स एक ठो है, दोनों जगह एक्स है, एक्स कॉमन निकलेगा, एक एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा बताइए, 4 निकल चुका है रूट 3, एक एक्स निकला है, एक एक्स बचेगा, समझ रही हो, हाँ। यहाँ से बताइए, इसको लिखा था 4 इंटू 2, 4 4 निकल चुका था, 2 बचा इसमें, 2 एक्स निकल चुका है, खत्म, चेक करो समझ में आया आपको कि नहीं आया, आ रहा है तेरे समझ में, हाँ जी। दोनों में माइनस है, माइनस साइन कॉमन, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, ये रूट 3 है, क्या इसमें रूट 3 है, क्या हम 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकते, भाई कॉमन तो निकालना है ना, यहाँ रूट 3 है, ये 3 है, तो 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 इमेजिन करो ना जी, तो इसमें रूट 3 है कि नहीं है, यहाँ भी रूट 3, दोनों जगह रूट 3 है, तो रूट 3 कॉमन नहीं आएगा, आएगा, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब यहाँ देखो क्या बचा, 3 को लिखा था रूट 3 इंटू रूट 3, दो ठो रूट 3, एक रूट 3 चला गया, तो एक बचा ना, नहीं समझे, 3 को क्या लिखे थे, रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 चला गया, तो एक बचा ना, तो एक मैं लिखूंगा, और x दोनों जगह नहीं है, तो x यहाँ है, ये x लिख दिया, माइनस अगर कॉमन चला गया तो यहाँ क्या लिखना है, प्लस, तब ना माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ से रूट 3 निकल चुका है, क्या बचा, सिर्फ सिर्फ क्या बचा, 2, चेक करो दोनों डब्बा एक जैसे हैं कि नहीं, हैं, नहीं दिख रहा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये डब्बा, यहाँ भी ये डब्बा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 4x और ये, ठीक है, समझ रहे हो, घर जाके प्रैक्टिस करना है जी, नहीं फिर नहीं बनेगा बाद में, 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ठीक है। एक रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया, रूट 3/4, चेक कर लो आंसर, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, ये हमने 6 क्वेश्चन बना लिए ना, हाँ जी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और आपके सामने इस एक्सरसाइज के, ठीक है, चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में नहीं होता, एक लाइन में होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या ये उसी फॉर्मेट में है, नहीं है, तो बनाएंगे, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम, x इसके नीचे 1 है, 1 से x डिवाइड हुआ, x x मल्टीप्लाइड बाय 10x, 10x स्क्वायर आ गया स्क्वायर, x से x डिवाइड हुआ, x से x डिवाइड हुआ, जब भी हम बोलते हैं डिवाइड करना है, वो नंबर तुरंत इसके नीचे लिखा हुआ, इमेजिन करो x को x के नीचे लिखो, कट के कितना हो गया 1, इतना क्या सोचती हो मैडम, इस x से इस x को डिवाइड करना है, ये नीचे लिख दिए, x x कट के कितना आ गया आंसर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1, ठीक है, नहीं आया, अभी भी आया इज इक्वल टू 3, अगले स्टेप में ये x चला गया मल्टीप्लाई होने, ये इसको इधर बुला लो, 10x स्क्वायर ये इधर आया तो नेगेटिव माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए टारगेट सेट करिए, व्हाट इज द टारगेट, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10, दो नंबर सोचना जिनको मल्टीप्लाई करने में 10 आए,
प्लस या माइनस करने में 3 आए, 5 और 2 एक बार कर चुके हैं हम। 10x स्क्वायर माइनस तक लिख लेना है, पहला नंबर में लिख लेता हूँ 5x और दूसरा नंबर लिख लेता हूँ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको घटाना था कि जोड़ना था, 5 के साथ 2 को घटाना था तो क्या साइन लिखना चाहिए? प्लस। घटाना है लेकिन आप प्लस लिखवा रहे हो, क्यों? क्योंकि एक माइनस पहले यूज हो चुका है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो, देखो ये 10 है, क्या मैं इसको 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ? तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन। ये 2x है, 2 ठो x, यहाँ 1 x, xx है, x कॉमन। ठीक है, चलेगा। यहाँ से 5 निकल चुका है, कितना बचा है? 2, 5 इंटू 2 है ये, 5 चला गया तो 2 बचा, 2x में 1x चला गया, 1x बचेगा, समझ रहे हो? माइनस 5x दोनों ही निकल गए हैं तो क्या बचेगा? 1। प्लस माइनस, प्लस ही रहने दो। ठीक, यहाँ क्या कॉमन है जी 2x और 1 में? क्या कुछ कॉमन नहीं दिखता तो 1 होता है। कितना बचेगा यहाँ? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। डब्बा हमारा सेम है, देखो 2x माइनस 1 और यहाँ क्या रह जाएगा? 5x प्लस 1। समझ में आ रहा है ये फैक्टर वाली लाइन? वही वही चीज कितनी बार रिपीट करेंगे। हाँ जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए फिर से वो एग्जाम्पल जिसकी हम बात कर रहे थे, मिडिल टर्म में रूट है वो आ गया, जैसे हमने एग्जाम्पल बनाया था। जल्दी से नोट करिए और जल्दी से इधर देखिए, क्योंकि ये उससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। पहले इधर देखो फिर बनाना आराम से। मिडिल टर्म में फिर से रूट आ गया, जैसे एग्जाम्पल में हमने बनाया था वही क्वेश्चन आ गया, सेम फॉर्मेट। टारगेट सेट करिए 1 × 6, वहाँ भी टारगेट 6 था एग्जाम्पल में। आया याद? नहीं आया। कितना है टारगेट अपना? 6। तो हमको दो नंबर सोचना है जिसको प्लस और माइनस करने में 4√2 आए और मल्टीप्लाई करने में 6 आए। मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए? 6। यही ना टारगेट 1 × 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने में। और जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए? 4√2। अब देखो इसमें रूट 2 है तो ये दो नंबर जब जुड़े होंगे या घटे होंगे तब ना ये बना होगा। टूटेगा तो दो नंबर में टूट रहा है, इसका मतलब इन्हीं दो को जोड़े होंगे या घटाए होंगे तो ये बना होगा ऊपर वाला। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अब इसमें रूट 2 आता है और मैंने रूट के लिए नियम क्या बताया था कि जब रूट सेम होते हैं तभी जुड़ते हैं या घटते हैं। तो अगर आंसर में रूट 2 आता है तो ये दोनों नंबर जिनको जोड़ा या घटाया गया होगा दोनों में क्या रहे होंगे? √2, तभी तो आंसर में √2 आएगा। नहीं समझे? तो जो जिस दो नंबर की बात हो रही है, एक चीज़ तो पक्का है कि दोनों नंबरों में क्या रहा होगा? √2। अब बस ये सामने का नंबर गायब है, यहाँ जोड़ें चाहे घटाएं कुछ भी करें हम, दोनों का आंसर कितना आना मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में, एडिशन में नहीं, मल्टीप्लाई में 6 आना है। ठीक है, तो ये साइन हम हटा देते हैं, हमको क्या करना है अल्टीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लाना है। नहीं समझे? नहीं समझे? मुझे कैसे सपना गिरा कि दोनों नंबर में √2 होगा इसको देख के? नहीं आया समझ में? देखो यार, एक नंबर मान लेते हैं ये रहा होगा, एक नंबर मान लेते हैं ये रहा होगा, 1 तो लिखते नहीं रूट के सामने। ये 3√2 है, ये 1√2 है, दोनों जुड़ेंगे तो कितने √2 आएंगे? नहीं मालूम। 3√2 है, ये 1√2 है, ये कितने √2 है? 3। ये कितने √2 है? 1। सामने 1 लिखा है, ये 3√2 है, ये 2, ये 1√2 है, 3√2, 1√2, दोनों जुड़ गए, कितने √2 बने? 4√2। आया मातृभाषा कि नहीं आया? तो देखिए हमारे आंसर में √2 आया, √2 है, तो जाहिर सी बात है दो नंबर जो जुड़ के इसको बनाए होंगे उन दोनों में भी क्या रहा होगा? √2, क्योंकि √√ जब सेम होते हैं तभी जुड़ते हैं, याद रखिएगा। अगर इसके अंदर √2 है, इसके अंदर √3 हो जाता तो कभी नहीं जुड़ते। जब तक रूट के अंदर के नंबर सेम नहीं होते, नहीं जुड़ते, नहीं घटते, मल्टीप्लाई हो जाते हैं लेकिन प्लस माइनस नहीं होते। आया समझ? तो एक चीज़ पक्का है, इस √2 को देख के मैं बता सकता हूँ कि इन दोनों में क्या आने वाला है, √2 आएगा। और मेरे को पता है टारगेट क्या लेके आना है, मेरे को 6, यानी दोनों नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाए। ठीक है, अब देखिए √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना बना? 2 बन गया। कितने की कमी है 6 बनाने के लिए? 3 की। तो ये नंबर हमको दिख गया।
तो अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके 3 बनना चाहिए, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके 3 बनना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 1, तभी दोनों का मल्टीप्लाई 3 रहेगा। आया भेजे में? नहीं आया। तो एक नंबर क्या बन गया और एक नंबर क्या बन गया? 1√2, जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था आपको। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4√6 है और दोनों को जोड़ के देख लो कितना आता है। शर्त पूरी होगी। कौन से दो नंबर हमारे? 3√2 और 1√2। यहाँ अच्छा, 3 वाले को किसके पास लिखना पसंद करेंगे? 1 वाले के पास कि 6 वाले के पास? क्योंकि हम 6 को 3√2 लिख सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर इस साइन तक लिख लेना है। अब हमको पहला नंबर कौन सा लिखना चाहिए यहाँ पे? ये पहला नंबर है या दूसरा नंबर है? पहले किसको लिखें, 3√2 को कि 1√2 को? 1। क्यों 3 को क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 3 को कहाँ लिखोगे? 6 के पास। ठीक है? नहीं आया समझ में? हैं? नहीं आ रहा? हो गया? हाँ जी। साइन क्या यूज करना है हमको यहाँ? प्लस की माइनस। 1√2 को 3√2 के साथ जोड़ के 4√2 बनाना है कि माइनस करके? जोड़ के। माइनस यूज हो चुका है, क्या यूज करना है? माइनस। तब ना माइनस माइनस प्लस। इसमें कॉमन खोजो, इसमें कॉमन खोजो। क्या कॉमन है? एक्स, एक्स माइनस रूट टू। यहाँ क्या कॉमन है? दिस इज 3 एंड दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी कॉमन है। 3 यहाँ क्या बचा? और यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं 2। गड़बड़ हो गया ना? फिर से है? क्या कहे? ये 1√2 है, ये 3√2 है। तो 1√2, 3√2, 4√2 होगा ना? 5 कैसे हो जाएगा? हाँ, रूट वाले नंबर है ना जी। सामने का नंबर देखो, यहाँ देखना इसको। 3 × 2, 3√2, दिस इज 3 × 2। ध्यान से समझना, इसको क्या लिखना है? 3 × 2। तो ये 3, ये 3 कॉमन दिख गया, ये कॉमन निकाल लिया अपन। ठीक है भाई, 3 3 तो कॉमन आ जाएगा ना। अब बचा यहाँ क्या, क्या बचा? 2। मैं ये 3 हटा देता हूँ क्योंकि इस 3 के साथ वो कॉमन निकल चुका है। तो इसमें सिर्फ क्या बचा है? 2। और यहाँ क्या है? √2। तो क्या मैं इस 2 को √2 × √2 नहीं लिख सकता? बोलो ना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? तो इसमें भी √2, इसमें भी √2। नहीं समझे? कहाँ समझे? 3 × √2 × √2। 6 को क्या लिखना है? कठिन हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। बोलो ना जी, ज़्यादा हो गया। हमको कॉमन निकालना है। यहाँ 3 है, √2 है, दोनों हैं। अगर मैं 6 को फैक्टराइज करता हूँ तो 6 को मैं क्या लिखूँगा? 3 × 2। तो 3 3 तो मैच कर गया, 2 2 भी दिख रहा है। तो क्या मैं 2 को √2 नहीं लिख सकता? तो इस 2 को क्या लिख देना है? √2 × √2। क्या लिख दिए इसको? अब देखो, 3√2 दोनों जगह है, तो कॉमन क्या मिल गया? 3√2। बचाइए, बताइए यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस 3√2 चला गया, तो सिर्फ क्या बचा? √2। सेम डब्बा। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें टारगेट सेट करिए। 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर के सामने कोफिशेंट है ए बी, एक्स के सामने कोफिशेंट है बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए बी है, एक्स का कोफिशियंट बी स्क्वायर माइनस ए सी है, और ये कांस्टेंट टर्म है बी सी। ठीक है, समझ आया? आया
टारगेट सेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी, तीनों में ए है, बी मल्टीप्लाइड बाय बी, बी स्क्वायर और एक सी। आया समझ? नहीं आया? या ऐसे ही याद रखो, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आया? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो बी स्क्वायर अलग कर सकते हो, ए सी अलग, ऐसे याद रखो। आ रहा है समझ? इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, ऐसे याद रखो ए बी इंटू बी सी, या ऐसे याद कर लो ए बी स्क्वायर सी, या ऐसे याद कर लो बी स्क्वायर अलग ए सी अलग, कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमको दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में ये आए, तीनों में से कोई एक चीज, और प्लस माइनस करने में ये आए। तो ये रहे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में ये आएगा और प्लस माइनस करने में ये आ जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? देखिए, ये दो टर्म ऑलरेडी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑलरेडी स्प्लिट करके बताया है आपको। ये देखिए, बी स्क्वायर इंटू एक्स ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, चेक करो, ये ऑलरेडी किस में हो गया, स्प्लिट हो गया दो टर्म में। ठीक है, ठीक है, हाँ, सोचने की जरूरत ही नहीं है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए बस। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है, इसमें कॉमन देखना है, क्या कॉमन दिख रहा है, b यहाँ है, यहाँ दो टू b है, b कॉमन है, x भी दोनों जगह है, यहाँ क्या बचेगा a x, और यहाँ क्या बचेगा, एक b बचेगा, क्योंकि दो b थे। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो ना। देखो यहाँ भी b है, यहाँ दो टू b है, b b है, एक b निकल गया, यहाँ दो x है, यहाँ एक x है, x भी निकल गया, तो यहाँ से b और x निकला, तो क्या बचा, a बचा और एक x बचा, यहाँ दो b थे, एक b निकल गया, एक b बचा, x तो निकल गया है। माइनस भी कॉमन ले लिए, c c कॉमन है, c कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, ए एक्स प्लस बी, चेक करो, ए एक्स प्लस बी दोनों डब्बा कॉमन आया, यहाँ बचेगा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये एक रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5/6। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको बनाना, उसके बाद फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके बनाना इसको, तो एलसीएम लेके इसको बनाना पड़ेगा। तो x माइनस वन और x प्लस वन का एलसीएम, ये हमारा इस एक्सरसाइज से पहले का एक एग्जांपल था, लास्ट एग्जांपल एक्सरसाइज से जस्ट पहले आपने बनाया है, सेम पैटर्न पर था। चौथा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 का, ये आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, है ना, उसी पैटर्न पर है। तो चलिए डिवाइड कराइए फट से, x माइनस वन से इसको डिवाइड करना है, नीचे लिखा हुआ इमेजिन करो, x माइनस वन कट गया, x माइनस वन, आंसर क्या आया, x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन, दो बार आया समझ, x प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा दो बार, तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे दो बार लिख लो अलग अलग डब्बे में, आ रहा है समझ, कैसे भी लिख सकते हैं। माइनस x प्लस वन से इसको डिवाइड किए, x प्लस वन कैंसिल, आंसर क्या आया, x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन, दो बार ऐसे लिख लो या दो बार अलग अलग लिख लो, ठीक, 5/6। ठीक है, अब हम इसमें भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं, दोनों में। ठीक है, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, चेक करो 2 इंटू एक्स इंटू वन 2x, प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, नहीं समझे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मुझे देखने से नहीं समझ आएगा, यहाँ देखो a फॉर एप्पल कौन है x, b फॉर बॉल कौन है 1,
ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन, टू इंटू एक्स इंटू वन कितना होगा टू एक्स, प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ भी खुलेगा लेकिन एक से ज़्यादा टर्म बनेंगे तो हम उसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि सामने माइनस है, माइनस क्या करता है सबके साइन चेंज करता है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है, लिखवाइए ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी चेक करो, टू इंटू एक्स इंटू वन टू एक्स ही होगा ना, प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, आ रहा है समझ में, या आप एक स्टेप और बढ़ा लो वैसे लिख के ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वैसे लिख लेना बन जाएगा। हाँ जी नीचे इसको भी मल्टीप्लाई करिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है इसको स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू फाइव बाय सिक्स। चलिए ये मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में खत्म, टू एक्स प्लस टू एक्स दोनों प्लस में है ठीक है, वन प्लस में वन माइनस में खत्म, तो खाली क्या बचा टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन फाइव बाई सिक्स। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है सिक्स का मल्टीप्लाई फोर एक्स के साथ और 5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ, ये कितना हो गया सिक्स फोर जा और ये इतना, ठीक है इसको भी उठा के उसी तरफ ले जा रहे हैं, तो जब उधर लेके जाएंगे तो उधर पहले से कौन है फाइव एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फोर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, उधर पहले से 5 है माइनस फाइव और इधर से 24 चला गया तो इधर क्या बचा जीरो, उस तरफ लिख दिए, आ रहा समझ में, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब टारगेट सेट करिए जल्दी से टारगेट बताइए 5 इंटू फाइव 25, दो नंबर आपको सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 25 आए और प्लस और माइनस करने में 24 आए, तुरंत बताना चाहिए तुरंत मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए टारगेट 25 और प्लस या माइनस करें 24 आ जाए, कौन सा नंबर है 25 और 1, वेरी गुड 25 बन जा 25 में 1 गया 24, तो दो नंबर कौन से हुए एक 25 और दूसरा 1, तो 25x 1x क्या करना है माइनस करना है प्लस करना है, यहाँ कौन सा साइन लिखूं मैं प्लस, क्योंकि हमको ऑपरेशन कौन सा करवाना है माइनस का सब्ट्रैक्शन का, ठीक है इसमें कॉमन इसमें कॉमन, तो यहाँ एक 5 कॉमन है एक x कॉमन है, चेक कर लो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है 5 इंटू 5 5 है ना इसमें कि नहीं है, है 5 कॉमन आ गया, x भी कॉमन है एक x बचा एक 5 बचा, यहाँ से 1 कॉमन, हाँ जी x माइनस 5 इतना तो अब आपको आता है ना, ये हो गया दो रूट, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर टू खत्म हुआ।